नमस्कार, मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज मोमेंट की तरफ से, और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज मोमेंट हिंदी में। तो चलते हैं खबरों की तरफ। आसनसोल में भयावह सड़क हादसा, दो की नो बिल नो पे, लागू होगा आसनसोल स्टेशन की खान पान की दुकानों पर। डायग्नोस्टिक सेवाओं का उद्घाटन आज महापौर विधान उपाध्याय द्वारा। दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय PSJ TBS आसनसोल, प्ले स्मार्ट प्ले अपिक। डायग्नोस्टिक सेवाओं का उद्घाटन आज महापौर विधान उपाध्याय द्वारा RCH सेंटर में रेल पार ओके रोड में किया गया। अभिजीत घटक व शिमुल हक दोनों उप महापौर, डॉक्टर और कई सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। वक्ताओं का विचार था कि इससे क्षेत्र के आम लोगों को फायदा होगा। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। आसनसोल कॉर्पोरेशन हमारा खुदी एवं आगामी दिन में आरो सुंदर करब। तो आज के ईसीजी मेशिन एवं डिजिटल एक्सरे दो दरकार छो एखे एक अपिले आो सकते एखे आगो तो सकते हमारे अनेक अनेक अभिनंदन शुभेच्छा हल शुदुम्र जेटा बोलो एखानकार लोकल मानुषे লোকাল মানুষের কিন্তু সহযোগিতা দরকার। এখানে যারা হেড অফিসার আছে, যারা আশা আছে, যারা আছে, যারা আছে মানে যারা এর সাথে যুক্ত তারা তো থাকবে, তার সাথে লোকাল মানুষের সহযোগিতা যদি না পাওয়া যায় তাহলে কিন্তু এটাকে সুন্দর করে গড়া তোলা যাবে না। তাই লোকাল মানুষের এখানে এই অঞ্চল उस समय से आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपना हेल्थ डिपार्टमेंट से ऐसा काम किया है कि आसनसोल के लोगों को ये महसूस हुआ है कि आसनसोल ने कॉर्पोरेशन का हेल्थ डिपार्टमेंट इस तरह से लोगों का मदद के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आसनसोल कॉर्पोरेशन का हेल्थ डिपार्टमेंट उस समय उनका जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो अगर नहीं करता तो आसनसोल में कोविड का महामारी का समय जो हालत होगा वो और भी बदतर खराब होगा, लोगों का और भी परेशानी होगा। क्योंकि आज ओके रोड DSPD में आसनसोल के महानगरी विधान उपाध्याय के हाथों से डिजिटल एक्सरे सर्विस और ECG का सर्विस जो है शुरुआत किया गया है। इस हॉस्पिटल को ममता बनर्जी और मुलायम घटक के आशीर्वाद से ज़्यादा तरक्की के काम किया जाएगा। यहाँ के लोगों से ये अनुरोध है कि आप इस तरक्याते काम के पास में रहें, ममता बनर्जी के साथ रहें, ये और डेवलप करेगा। और जिस तरह का भी अगर मामला हो तो हम लोग के कॉरपोरेशन के महानगर से रब्त करें, अस्पताल को अमन शांति के साथ चलने दें ताकि तरक्की करेगा। यहाँ बहुत सारा ब्लड का फैसिलिटी टेस्ट किया गया है, लेजर मशीन बैठाया गया है और आने वाले दिन में यहाँ बेड भी नष्ट किया जाए, इसके लिए लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। स्टेप इन रेनबो ड्रेसेस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ किड्स वियर, बस्तीन बाजार मोड़, GT रोड, आसनसोल। रेनबो बिग शॉप, ऑल वेराइटीज ऑफ लेडीज वेयर, मेन्स वेयर एंड सूट पीसेस आर ऑल्सो अवेलेबल। बस्तीन बाजार, GT रोड, आसनसोल। कॉन्टेक्ट नंबर 03412221590। रेनबो बिग शॉप। आसनसोल के पूर्व पार्षद के बेटे से 42 लाख रुपए ठगी का आरोप, एक महिला गिरफ्तार। दिस न्यूज स्पॉन्सर बाय मोशन दुर्गापुर सेंटर, एडमिशन ओपन। सबसे पहले महिला ने आसनसोल जिला न्यायालय में वकील के रूप में पहचान बताई।
फिर आत्मीयता बढ़ाकर विदेशी शराब की दुकानों को लाइसेंस देने का प्रलोभन दिया। अंत में केंद्र व राज्य सरकार के आबकारी विभाग का फर्जी पोर्टल बनाकर आसनसोल नगर निगम के पूर्व पार्षद के बेटे के साथ 42 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस साइबर क्राइम सेल ने गुरुवार रात दक्षिण 24 परंगना के भांगर से पापरी सुल्ताना नाम की महिला को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को कार्यवाहक CJM के सामने आरोपी को आसनसोल जिला न्यायालय ले जाया गया। पुलिस ने 7 दिन के रिमांड के लिए आवेदन किया है। उस अर्जी के आधार पर कार्यवाहक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मनाली सामंत ने उनकी जमानत खारिज कर दी है। 5 दिन पुलिस हिरासत का आदेश दिया। घृति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के धारा 471, 468, 420, 410, 406 और 120B के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार पापरी सुल्ताना आसनसोल के हीरापुर थाना क्षेत्र के बर्णपुर के पुर्णिया तालाब की रहने वाली हैं। उन्होंने एक गिरोह बनाया। उन्होंने अपने माध्यम से बर्णपुर में आसनसोल नगर निगम की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के पूर्व पार्षद श्रवण शाव के पुत्र नरसिंह बांध के ध्रुपदंगन निवासी लवमल कुमार साव को फंसाया। साइबर सेल की प्राथमिकी में कहा गया है कि इस धोखाधड़ी के चक्र में 2 लोग और हैं। वे हैं मनोवारा सुल्ताना और नवनीत भारती। हालांकि पुलिस ने पापड़ी को भागड़ा से गिरफ्तार किया, लेकिन मनोवारा सुल्ताना और नवनीत भारती अभी भी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से लेडीज वेयर के एक्सक्लूसिव शोरूम स्टाइल, ए हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। महिलाओं का पसंदीदा शोरूम स्टाइल, ए हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। नए डिजाइन के कलेक्शन, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से वाजिब दरों पर। है एक्सक्लूसिव सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वेयर। और रेडीमेड ड्रेसों का संभार, सब एक से बढ़कर एक स्टाइल। तो फिर इस बार ईद में छा जाए, इसराइल के कलेक्शन अपना है। इसराइल अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर, बस्तीन बाजार रोड, आसनसोल। कॉल 760-2923। आसनसोल में भयावह सड़क हादसा, 2 की मौत। आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत शनिवार सुबह जुबली के पास सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल पर पिता और पुत्री की मौत हो गई। वहां पत्नी को गंभीर अवस्था में आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुरुलिया जिले की निदुरिया थाना अंतर्गत हिजली गांव की रहने वाले दीपक चटर्जी, उम्र 53 वर्ष, वहीं उनकी बेटी गोल चटर्जी 20 वर्ष और उसकी पत्नी डोला चटर्जी मोटरसाइकिल से आसनसोल की तरफ जा रहे थे, जब जुबली मोड़ के निकट उनकी बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। तभी उल्टी दिशा से आ रही एक गाड़ी ने उन्हें कुचल दिया। घटनास्थल पर पिता और पुत्री की मौत हो गई। वहां गंभीर रूप से घायल पत्नी को आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इस घटना को लेकर कुछ देर तक NH2 जाम रहा। मौके पर पुलिस पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण किया। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society, affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12.
It's time for your child to explore the creativity. Thank you. प्रतिनियुक्ति में अंतर। जिला समन्वयक अल्ताफ शेख, प्रदेश अध्यक्ष हरिदास घटक, माधव चट्टोपाध्याय, सुमना पॉल, अभिजीत उपाध्याय, उत्पल मोहन, पल्लव नारायण रॉय और डॉक्टर तुषार बैनर्जी ने भाग लिया। छात्र परीक्षाओं के लिए शिक्षण दिवस बढ़ाना। मध्याह्न भोजन से प्रधानाध्यापकों को रखना। शिक्षा विभाग के नोडल शिक्षक व्यवस्था करना। डाटा एंट्री ऑपरेटर को काम पर रखना। स्रोतों के लिए स्थानांतरण के कारण ग्रामीण स्कूलों की रक्षा करना। उच्च माध्यमिक खंड ने नए पद सृजित करना। प्रधानाध्यापक में लगाई गई असमानता का भुगतान। DI कार्यालयों में कबूतर घरों को बंद करना आदि। अगर यह मांग पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। ভাগ করা হয়েছিল, অথচ দেখা গেল কি এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের কনকারেন্স না থাকতে আমাদের দেয়া হলো না। গভর্নমেন্ট স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট শিক্ষক, অনার্স গ্রাজুয়েট, মাস্টার ডিগ্রি, তারা সবাই কিন্তু 15,000 স্কেলে চলে গেলেন, আর আমরা ছাগলের তৃতীয় সন্তানের মতো সেই রয়ে গেলাম 9,000 স্কেলে। অথচ হাস্যকর ব্যাপার, কত বড় দ্বিচারিতা দেখুন, 19 ব্যাপার অ্যানেক্সার 1 দেখুন, সেখানে দেখানো হচ্ছে হেডমাস্টারদের যে এক্সিস্টিং স্কেল আপে আমরা নাকি 15,000 টাকা পেয়ে আসছি। এটা নিয়ে আমাদের কোর্ট কেস, এটাই আমাদের রিট পিটিশনের মূল বিষয়। 2014 সালে একটা অর্ডার করে আপনি বললেন উচ্চ মাধ্যমিকের হেডমাস্টার হলে একটা করে ফিক্সেশন পাবেন, একটা করে ইনক্রিমেন্ট পাবেন, ফিক্সেশন দিয়ে অবস্থা করে দেওয়া হলো। 17 সালে এসে কি বললেন, পাবেন না। তাহলে ইন বিটুইন 14-17 যারা বেশি নিলেন তাদেরকে ফেরত দিতে হবে? সরকারি কোনো অর্ডার আছে না? DAPC করছে আপনাকে জোর করে, শেষ বয়সের আপনার যে ইনকাম তার থেকে সেই ওভারটন ফেরত না নিলে ফাইল পাঠাচ্ছে না, অর্ডার চাইলে দিচ্ছে না, ব্যক্তিগত কেস করে ব্যক্তিগতভাবে জেতা যাচ্ছে। তাহলে এই দ্বিচারিতা কেন? এই সমস্ত পয়েন্টগুলো এবং নন একাডেমিক কাজগুলো যাতে নোডাল অফিসার নিয়োগ করা যায়। পাবলিক সেক্টরের কাজ তো, BDO অফিসে যাবেন প্রত্যেক অফিসে একটা করে কেন, 4-5-6-7 করে ডেটা এন্ট্রি অপারেটর আছে। অথচ প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকারা মূল তৃণমূল স্তরে মূল কাজটা করেন, তারা ডেটাকে এন্ট্রি করেন, অথচ কোনো বিদ্যালয়ে একজন ডেটা এন্ট্রি অপারেটর নেই কেন? SDO, BDO, DI, SI যে কোনো অফিসে যান সরকারি, প্রত্যেকে কন্ট্রাকচুয়াল হোক না, প্রত্যেক অফিসে 2-4-6-10 করে ডেটা এন্ট্রি অপারেটর থাকবে। আর যারা আমরা তৃণমূল স্তরে প্রকৃত কাজটা করব, এক একটা ছাত্রের 30-40 করে। লাগাতার খবরো কে লিয়ে বনে রহিয়ে হামারে সাথ, মিলতে হ্যায় ছোটে সে ব্রেক কে বাদ। কমপ্লিট ইয়োরসেলফ উইথ সলিকা। সলিকা কালেকশন, होलसेलर एंड रिटेलर ऑफ सलवार सूट पीसेस, लहंगा, गरारा। कॉन्टैक्ट सलीका कलेक्शन इन बस्तीन बाजार आसनसोल 1। कॉन्टैक्ट नंबर 8509-608-588। शांति समिति की बैठक न्यामतपुर में। बैठक में न्यामतपुर चौकी के प्रभारी IC अखिल मुखर्जी, आसनसोल नगर पालिका के वार्ड नंबर 59 के पार्षद जाकिर हुसैन, व्यापारी गुरविंदर सिंह और तरु घाटी सहित सभी समुदाय के लोग शामिल हुए। इसकी एक बैठक इसे बनाए रखने के लिए शांति समिति का गठन किया गया। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य साइबर अपराध पर अंकुश लगाना और नशा मुक्त समाज के निर्माण की आवश्यकता के प्रति आम जनता को जागरूक करना था। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। TP मार्केट आसनसोल, मोबाइल नंबर 9635640012। नो बिल नो पे लागू होगा आसनसोल स्टेशन के खान पान के दुकान।
यात्रियों की सुविधा के लिए। पारदर्शिता के खातिर आसनसोल रेल डिवीज़न के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर शांतनु चक्रवर्ती ने बताया है कि अब आसनसोल रेल डिवीज़न में रेल बोर्ड के निर्देश आया है कि जितने भी खाना और खाने पीने की दुकानें हैं सभी दुकानों पर ज़्यादातर डिजिटल कैशलेस का प्रयोग करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि लोगों से ज़्यादा मनमानी तरीके से पैसे ले लिया जाता है, उसी को देखते हुए यह निर्देश आया है कि इस निर्देश का पालन करते हुए पूरे आसनसोल रेल मंडल के सभी खाने पीने की सामग्री वाले दुकानों को सतर्क कर दिया गया है। गूगल पे, पेटीएम जैसे UPI इन सब का प्रयोग करें। कोई ऐसा भी यात्री होता है जिसके पास डिजिटल मोबाइल नहीं होने के कारण वह नगद पैसे दे सकता है। नो बिल नो पेमेंट लागू होना। ज़्यादातर रेल यात्री कोई भी खाने पीने की दुकानों से कुछ भी सामग्री अगर लेता है तो उन्हें बिल ज़रूर दें। इसे लेकर कमर्शियल इंस्पेक्टर लोगों को भी निर्देश दिया गया है। इन सब में विशेष जांच अभियान चलाएं, देखिए पकड़े जाने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई और फाइन किया जाएगा। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट व सलानपुर थाना ने शनिवार को सलानपुर प्रखंड के बंसकेतिया आदिवासी पाड़ा में जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया। पश्चिम अभिषेक मोदी, ACP कुलती सुकांतो बैनर्जी एवं अन्य गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदीप उज्ज्वल करके किया। फिर सेक्शन व एवं स्कूल यूनिफॉर्म का शुभारंभ किया। सलारपुर प्रखंड में तथागत ट्रस्ट नामक संस्था द्वारा संचालित शिक्षा केंद्र के बेसहारा छात्रों को सौंपे गए इनामों एवं मॉडलों को विशेष सम्मान दिया गया और पुलिस द्वारा युवाओं को धूल चटा दी गई। आयुक्त सुधीर कुमार नीलकंठम ने कहा है कि पुलिस की ओर से क्षेत्र के लोगों से अच्छे संबंध बनाने की पहल की जा रही है। पुलिस की ओर से कुछ समागम पढ़ने के लिए रीक को सौंप दिए गए हैं और खेल के क्षेत्र में युवा समाज को आगे रखने के लिए समग्र खेल दिया गया है। इसके अलावा क्षेत्र के पुजारियों, इमामों और नैतिकताओं को सम्मानित किया गया है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्या है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, GST, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर चाह रहा है, आप लोग उसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SBKY रोड में। ई नीलामी मॉड्यूल। माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाणिज्यिक अर्जन और NFR अनुबंधों के लिए ई नीलामी मॉड्यूल का शुभारंभ किया। यह आम लोगों के कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू किया गया है। यह एक ऑनलाइन सिस्टम है। पार्टी को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहले टेंडर प्रक्रिया में 4 से 5 महीने लगते थे, अब मुश्किल से 4 से 5 दिन लगेंगे। सभी महाप्रबंधक, प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियर, मंडल रेल प्रबंधक, वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधकगण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े थे। माननीय रेल मंत्री ने भी किस अधिकारियों और रेलवे बोर्ड के सदस्यों को बधाई दी। नई नीति के लाभ, पहला, एक वर्गीकरण पंजीकरण कर के माध्यम से
बोली दाता भारत में कहीं से भी इन नीलामी के में भाग ले सकता है। दूसरा, ऑनलाइन नीलामी जहां बोली लगाने वाले वस्तुओं की कीमत देख सकते हैं। तीसरा, ई प्लेटफॉर्म में लेन देन पूरा कर सकते हैं। चौथा, व्यापार में आसानी के साथ साथ पारदर्शिता भी रहेगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। एंजल विद्या मंदिर, अ श्योर वे टू सक्सेस। वी प्रोवाइड क्लासेस क्लास 8 to 10, क्लास 11 and 12, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, ग्रेजुएशन ऑनर्स एंड प्रोग्राम। We also provide all types of competitive classes like SSC, RAIL, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. एकनाथ शिंदे थाने में धारा 144 लागू। महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक अस्थिरता के बीच थाने जिला प्रशासन ने जिला में धारा 144 CRPC लगा दी है। 30 जून तक किसी भी तरह से राजनीतिक जुलूस पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया है। थाने विद्रोही नेता एकनाथ शिंदे का गढ़ है। शिंदे महाराष्ट्र के कई विधायकों के साथ असम में डेरा डाले हुए हैं। थाने के जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार लाठी या किसी भी तरह के हथियार, पोस्टर जलाने, पुतला जलाने पर प्रतिबंध है। नारे लगाने या स्पीकर पर गाना बजाने की भी अनुमति नहीं है। थाने में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट थाने 30 जून तक 24 घंटे का निर्देश और निषेध आदेश जारी करते हैं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड YouTube चैनल न्यूज मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830। दिन के उजाले में मिट्टी उठाने वाली मशीन से जमीन खोदकर ईंट माफिया दिन के उजाले में डंपर लेकर क्यों नहीं भागे। पुष्णा ग्राम पंचायत के उप प्रमुख पार्थ सारथी मुखर्जी ने हमें स्पष्ट कर दिया है कि इस संबंध में किसी ने हमसे अनुमति नहीं ली है। हालांकि वो हमेशा डंपर के साथ मुख्य सड़क चला रहे हैं। हमने उन्हें इस बारे में सूचित भी किया है, लेकिन उन्होंने अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा। भामुरिया युवा कल्याण कमेटी की ओर से शनिवार को भामुरिया में दंपति रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां पति पत्नी दोनों ने रक्तदान दान किया। कार्यक्रम के दौरान नितुरिया पंचायत समिति के अध्यक्ष सरस्वती टुड्डू सोरेन, BHO एच पार्थ सारथी रॉय, भामुरिया ग्राम पंचायत प्रधान सुमित्रा बावरी, भामुरिया शशि की उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पल्लव कुड्डू, समाज सेवी बंशीधर दास गुप्ता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जबकि बंशीधर दास गुप्ता ने फीता काटकर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान क्षेत्रीय विद्यालय के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षा में बेहतर अंक पाने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। रक्तदान शिविर के मौके पर नितुरिया के BMOH पार्थव सारथी रॉय ने कहा है कि आपका एक बूंद रक्त किसी की जान बचा सकता है। आप रक्तदान से ना हिचकिचाएं, इससे किसी का नुकसान नहीं होता बल्कि किसी ज़रूरतमंद की जीवन जरूर बच जाती है। उन्होंने कहा है कि रक्त की बूंदें जाति, धर्म आदि नहीं देखकर सिर्फ मानव की जान बचाती है। उन्हें और उन्होंने
सभी से रक्तदान करने की अपील की है। इटक ने जामुड़िया के इंकारा बसंती विजय हाई स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस रक्तदान शिविर में 50 रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। कहा जाता है कि आसनसोल जिला अस्पताल के डॉक्टर ने शिविर में रक्त एकत्र किया। रक्तदान शिविर में आसनसोल निगम के MIC सुब्रत अधिकारी इटक ने सभी कर्मचारी जामुड़िया ब्लॉक नंबर 2 के प्रखंड अध्यक्ष सुकुमार भट्टाचार्य, पंचानन रुईदास, गुणाधर बौरी सहित अन्य कई नेता मौजूद थे। और अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। साइलेंट टीयर्स होल्ड द लाउडेस्ट पेन, खामोश आंसू सबसे ज्यादा दर्द उठा सकते हैं। खबरों के सिलसिला अब यही समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस।